पीथमपुर सागौर में रविवार को ऐतिहासिक चुनरी एवं कलश यात्रा सार्वजनिक माता चौक नरसिंह मंदिर से छोटी सागौर तक निकाली गई। यहां यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया। यह धर्मरक्षा चुनरी एवं कलश यात्रा के संयोजक एडवोकेट राजेश चौधरी ने नगर में घर घर आमंत्रण कार्ड से क्षेत्र की जनता को निमंत्रण दिया गया था। इसके अलावा सेक्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक लगातार समिति के सदस्य यात्रा को सफल बनाने के लिए आमंत्रित किए गए थे। चुनरी यात्रा में चुनरी और 551 कलश लेकर महिलाएं सिर पर रखकर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करके कालिका मंदिर छोटी सागौर पहुंची। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष शामिल हुए। माता को चुनरी चढ़ाकर महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी माँ कालिका के दरबार में सभी भक्तों ने नरसिंह मंदिर से लेकर कालिका माता मंदिर तक कलश के साथ चुनरी यात्रा माता जी के चरणों में अर्पित की। कितने वर्षों से कार्यक्रम चला आ रहा है? इस बार लगातार 10वां वर्ष था। और लगभग कितने की तादाद में श्रद्धालु एकत्र? इसमें 551 कलश लेके लड़कियाँ चल रही थी, बाकी कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग पूरे इस कार्यक्रम के आयोजन में आसपास गांव नगर के और क्षेत्र के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। और यात्रा का जो उद्देश्य था हमारा, प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं जो देश भर में जो मुद्दे चलते हैं उसको लेकर हम यात्रा का आयोजन करते हैं। इस बार देश भर में धर्म पे कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे कटाक्ष हो रहे हैं, उसको लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया। और ये यात्रा धर्म रक्षा चुनरी और कलश यात्रा के नाम से थी। आपका नाम और पता? राजेश चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।